हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की ये मसालेदार सब्ज़ी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसके पहले हम छिलके निकाल देंगे। आलू को मैंने अच्छे से छील के पानी से साफ़ कर लिया है। अब हम आलू को कट करेंगे। तो आप आलू के लंबे लंबे पीसेस कर सकते हैं। बड़े पीसेस में काटने से सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये देखने में भी अच्छी लगती है। तो मैं एक आलू में से 3 से 4 पीस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा पतला पीस आपको नहीं करना है। और जैसे जैसे आलू को काटते जाएंगे हम इसे पानी में डालते जाएंगे। तो आलू हमारी तैयार है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बैंगन लिया है और बैंगन आप कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हमने बैंगन को पानी से साफ़ करके इसका ये जो हरा पार्ट होता है इसे हम काट देंगे और चेक करेंगे कि बैंगन हमारे इसके अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। हमें सब्ज़ी के लिए बिल्कुल साफ़ बैंगन चाहिए होगा। अगर इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह होता है तो हम उसे अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बैंगन को भी जैसे हमने आलू काटा था उसी तरीके से मैं बैंगन के भी बड़े बड़े पीसेस कर रही हूँ। और जैसे हम काटते जाएंगे बैंगन को हम पानी में डालते जाएंगे। तो दूसरा बैंगन भी चेक करते हैं और इसी तरीके से काट लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी बैंगन को काट के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैंगन को काट लिया है और इसे 2 से 3 बार पानी से साफ कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से कूट लेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा सब्ज़ी में अच्छा आए। तो हम इसमें इसे कूट लिया है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है और तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। तो आलू का सारा पानी निकाल के ही डालिए और 2 मिनट तक हम इसे आलू को फ्राई कर लेंगे ताकि इसके ऊपर एक गोल्डन लेयर आ जाए। तो लीजिए, आलू हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इसका सारा तेल निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। आलू हमारी आधी पक चुकी है तो बहुत ज़्यादा आपको इस समय पे नहीं पकाना है। बस एक गोल्डन कलर आ जाए तो हम आलू को निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में ही हम अपने बैंगन डाल देंगे। बैंगन का भी सारा पानी निकालने के बाद ही डालिएगा और एक बार इसे मिक्स कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ और नमक डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून। और इन दोनों चीज़ों को बैंगन के साथ मिला लेंगे और बैंगन को भी एक गोल्डन लेयर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं तो इसका भी तेल निकल जाने के बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं आलू के साथ ही इसे निकाल ले रही हूँ, आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। तो बचे हुए तेल में हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा के चटक जाने के बाद हमने जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट के रखा था उसे डाल देंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको छोटे पीसेस में मैंने काटा है। और प्याज को हम गोल्डन करने तक भून लेंगे। तो प्याज को बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1/2 छोटे चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, इससे और भी ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है। और मसालों को थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद मसाले जले नहीं तो 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे और मसालों को तेल छोड़ने तक पका लेंगे। तो 2 मिनट टोटल हमने इसे भून लिया है और मसालों में से तेल आ गया है। ये देखिए, तेल अलग हो गया है, मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इस टाइम पे मैं यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ जिसको छोटे पीसेस में काट लिया है। और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। ध्यान रखिएगा कि हमने थोड़ा सा नमक बैंगन में भी डाला था तो आप नमक कम ही डालिएगा। और इसे एक बार मिक्स करके टमाटर को मसालों के साथ हम भून लिए हैं। तो टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, हमने जो आलू और बैंगन को फ्राई किया था उसे डाल देंगे। तो पहले मैंने आलू को डाला और अब बैंगन को डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को एक साथ ही डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1 छोटे टमाटर को थोड़े बड़े पीसेस में कट करके डाला है। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ही आप डालिएगा, वरना आप कोई ज़रूरी नहीं है। इसका लुक सिर्फ अच्छा आता है, मैं इसलिए इसमें टमाटर के थोड़े बड़े पीसेस मैंने डाला है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को और इसे हम ढक कर पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक ताकि आलू में जो भी कसर है वो पक जाए और
बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। धनिया डाल के एक बार मिक्स करते हैं। अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी हम इस सब्जी में नहीं डालेंगे, तो आप पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पर ढक्कन हटाती हूँ और सब्जी को एक बार मिक्स करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में कितना बढ़िया कलर आया है और बिल्कुल भी सब्जी हमारी बिना पानी की बनी है। सिर्फ हमने 1 चम्मच इसमें पानी का इस्तेमाल किया था। अब मैं आपको एक आलू को चेक करके दिखाती हूँ कि आलू हमारी पकी है कि नहीं। तो आलू को मैं 1 चम्मच से, ये देखिए आलू हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल सब्जी हमारी पक चुकी है। तो बैंगन की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। गैस को बंद करते हैं और आप इसे सर्व करिए। तो मैं यहाँ पर एक सर्विंग बोल में इसे ट्रांसफ़र करती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी चटपटी सी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठे किसी के भी साथ खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।